आजकल आप देख रहे हो स्मार्ट वॉचेस ब्रांड के बीच में होड़ लगी हुई है, तुम हमारा लो और हम तुम्हारा ले लेंगे। आप गलत सोच रहे हो, मैं डिजाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ फायरबोल्ट कर रही है। फायरबोल्ट लॉन्च करने वाली है अपनी एक और स्मार्ट वॉच जो कि है फायरबोल्ट कोलाइड। ये स्मार्ट वॉच 6 अप्रैल को 3,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो रही है, जिसका लुक्स एंड डिजाइन कॉपी किया है पेबल मैट्रिक्स से, जो कि पेबल ने 3-4 महीने पहले ही लॉन्च कर दी थी। आप इसका लुक्स ले लो, डिजाइन ले लो, स्ट्रैप्स ले लो, बिल्कुल कॉपी करे हैं एक एक चीज। अब लुक्स एंड डिजाइन ही कॉपी किए हैं या फिर फीचर भी कॉपी किए हैं, इस वीडियो में पता करेंगे। इस वीडियो में लास्ट बने रहना, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बोलूं, जो कि मुझे बोलना ही चाहिए इवेंचुअली, क्योंकि ये दोनों स्मार्ट वॉचेस फुल डिट्टो दिखती हैं। दोनों स्मार्ट वॉचेस रेक्टेंगल शेप में जाती हैं, हालांकि इनकी जो डिस्प्ले है वो राउंडल शेप में आती है। और हाँ, दोनों स्मार्ट वॉचेस आपको मेटलिक बिल्ड में मिलेंगे। दोनों की साइड में आपको एक बटन भी देखने को मिल जाएगा। ये चीज भी बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों स्मार्ट वॉचेस का जो डायल है वो तो बिल्कुल सेम है, बट जो स्ट्रैप है वो फायरबोल्ट कोलाइड में थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। कोलाइड में आपको कुछ स्टाइलिस स्ट्रैप ऑप्शन भी मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ऑप्शन वाइज फायरबोल्ट ने कोलाइड में थोड़ा सा किया है। मैं डिस्प्ले की बात करूं तो फायरबोल्ट कोलाइड में आपको 1.32 इंचेस की रेटिना लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, बट पेबल में आपको 1.3 इंचेस की एचडी डिस्प्ले मिलती है। और ये दोनों ही आपको 360x360 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मिल जाएंगी, तो पिक्सल रेजोल्यूशन तो भाई डिस्प्ले के हिसाब से हायर है, तो काफी अच्छी शार्पनेस रहेगी इन दोनों की डिस्प्ले। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आपको 100+ वॉच फेसेस के साथ मिलती है, और साथ में आप कस्टमाइज वॉच फेस भी इन दोनों में ही लगा पाओगे, तो भाई डिस्प्ले भी दोनों की लगभग सेम है। फायरबोल्ट कोलाइड में आपको 500 की ब्राइटनेस मिल जाती है, वहीं पेबल मैट्रिक्स में आपको 700 की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलेगा, और हाँ, साथ में आपको AI वॉइस असिस्टेंट भी दोनों स्मार्ट वॉचेस में मिलने वाला है। फायरबोल्ट कोलाइड में आपको 70 स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलता है, वहीं पेबल मैट्रिक्स में आपको मल्टीपल स्पोर्ट मोड का सपोर्ट मिलता है। बट वो बात अलग है कि दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आपके सारे के सारी जो एक्टिविटी है वो इन स्पोर्ट्स मोड में कवर बड़े आराम से हो जाएंगी। अगर मैं हेल्थ रिलेटेड सेंसर की बात करूं तो सारे सारे हेल्थ रिलेटेड सेंसर आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में मिलने वाले हैं। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 सेल मॉनिटरिंग, बीट मॉनिटरिंग जैसे नॉर्मल सारे सेंसर्स मिल जाएंगे। सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल के स्मार्ट नोटिफिकेशन भी आपको इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में बड़े आराम से मिलने वाले हैं। और हाँ, डेली यूटिलिटी सारे के सारे फीचर्स भी आपको ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलेंगे। पेबल मैट्रिक्स में आपको कैलकुलेटर और गेम्स का फीचर मिलता है, बट कोलाइड में है कि नहीं ये अभी तक क्लियर नहीं किया है ब्रांड ने। वाटर प्रोडक्शन की बात करूं तो फायरबोल्ट कोलाइड में आपको IP68 का वाटर प्रोडक्शन मिल जाता है, वहीं फायरबोल्ट मैट्रिक्स में IP67 का मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करूं तो दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको 7 दिन की बैटरी लाइफ मिलती है, जो कि कॉलिंग में 1 दिन ज्यादा 2 दिन का आराम से निकाल देती है। तो भाई ये तो इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के फीचर। तो फायरबोल्ट कोलाइड 3,500 रुपए में लॉन्च हो रही है, बट पेबल मैट्रिक्स इस टाइम 5,000 रुपए की चल रही है। तो भाई 5,000 रुपए की क्यों चल रही है, ये चीज सोचने में मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कभी कभी कि ऐसा ब्रांड्स क्यों कर पाई, मतलब इसमें क्या है यार ऐसा जो 5,000 रुपए की आप बेच रहे हो। जब फायरबोल्ट कोलाइड मैंने देखी थी वो भी 3,500 रुपए में, मुझे ज्यादा की लग रही थी इवेंचुअली, क्योंकि यार उसमें 3,500 रुपए का भी कुछ माल है नहीं वैसे। तो आपका क्या सोचना है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई देखो, फायरबोल्ट ने कॉपी जरूर निकाली है, बट सस्ती निकाली है एक तो, दूसरी बात जो कुछ फीचर हैं वो थोड़े से अच्छे कर दिए हैं, और स्टेप ऑप्शन और लुक्स वाइज भी थोड़ी सी बढ़िया बना दी है, क्योंकि 5,000 रुपए में पेबल तो कुछ भी नहीं दे रहा था इसके साथ। बट हाँ, 3,500 रुपए में आपको इसमें बहुत कुछ मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से 3,500 भी इसके लिए ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया हो कि आपको कौन सी वॉच लेनी है। यदि आप कोलाइड भी ले रहे हो तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वॉच नहीं है। बाकी यदि आपको लेनी है तो इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट भी कर सकते हो या भी बाय भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसे किसी और प्रोडक्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।